Hi guys and welcome to MB's Man Cave. मेरा दोस्त बबलू हमेशा परेशान रहता है, जब देखो कोई ना कोई नई परेशानी लेके आ जाता है। आजकल कह रहा है कि जब भी मैं लिकर शॉप में जाता हूँ कोई ना कोई नई बॉटल मुझे दिख जाती है और मैं सोचता हूँ कि यार ऐसे खरीदें कि ना खरीदें, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी खैर छोड़ दो, आप लोग समझदार हो, मुझे पता है कि आप लोगों को समझाने का फ़ायदा है भाई। सिंपल तरीका है, हर बुधवार को यहाँ पे आ जाओ और विस्की वेंसडे में उस सेम विस्की का रिव्यू आके यहाँ पर देख लो और पता लग जाएगा, सारी जांच पड़ताल हो जाएगी कि उस विस्की को खरीदना है या नहीं खरीदना। जैसे कि आज के विस्की वेंसडे में हम लेकर आए हैं वैलेंटाइन्स 7 years old, एक न्यू लॉन्च है मार्केट में, रिसेंटली लॉन्च हुई है, काफी बातें भी हो रही है इस विस्की के बारे में। वैलेंटाइन्स विस्की जो रेगुलर वैलेंटाइन्स है वो भी हमारे पास पड़ी है यहाँ पर, इसके बारे में काफी बातें हम कर चुके हैं पहले, इसका रिव्यू कर चुके हैं, जरूर जाके देखिएगा, दैट वॉज अ ग्रेट रिव्यू। उसमें हमने वैलेंटाइन्स की हिस्ट्री के बारे में काफी बातें करी, बट आई हैव टू से दैट वैलेंटाइन्स का जो फैन बेस है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही डेडिकेटेड फैंस हैं वैलेंटाइन्स विस्की के, लोग बहुत पसंद करते हैं उसे। टू बी ऑनेस्ट एज अ विस्की कॉनोस्योर मेरे लिए इस विस्की को समझना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि मैंने टेस्ट अभी तक नहीं करी है, बट जिस तरीके से इस विस्की को प्रमोट करा गया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, और वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्यों। इस विस्की को जो प्रमोट किया गया वो किया गया अमेरिकन बैरल के नाम से, कि इसमें अमेरिकन बैरल्स के अंदर इसे एज कराया गया है, जो कि आई थिंक काफ़ी सिंपल सी बात है भाई, अमेरिकन बैरल्स को लाकर उसमें स्कॉच विस्की को एज करा गया है 7 years के लिए, आई थिंक दैट इज सिंपल इनफ। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि स्कॉच विस्कीज में जो स्कॉटलैंड की विस्कीज हैं वो ऑलमोस्ट सारी ही अमेरिकन बैरल्स के अंदर एज होती है, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू। आई थिंक इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अमेरिकन विस्कीज जो बर्बन विस्कीज बनती है वहां पर एक लॉ है कि आप कोई भी बैरल को एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो जो भी बैरल्स उनके यूज होते हैं विस्की एज करने के लिए उसके बाद उनका एक बार के बाद यूज खत्म हो जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसा कोई रूल नहीं है। स्कॉटलैंड में आप बैरल्स को कहीं से भी लाके यूज करो, कितनी बार यूज करो, देयर इज नो लॉ एज सच। सो पिछले ऑलमोस्ट 100 सालों से जो चलता आ रहा है वो ये है कि अमेरिका वाले अपनी विस्की को एज कराते हैं, उसके बाद वो बैरल्स को स्कॉटलैंड में बेच देते हैं और स्कॉटलैंड वाले उस बैरल को यूज़ करते हैं, एंड जितनी भी आप विस्कीज देखेंगे ज़्यादातर यही होता है उन विस्कीज के अंदर। इवन जो विस्कीज जिसमें लिखते हैं शेरी कास्क विस्की या दूसरे और कास्क, वो वाले जो कास्क होते हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए यूज़ होते हैं, सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। जो मेजॉरिटी एजिंग होती है वो अमेरिकन बर्बन कास्क में ही होती है। दिल्ली NCR में अराउंड 1800 की है ये विस्की, 7 years एज मतलब 7 साल के लिए एज कराया गया, ये तो आप लोगों को पता ही है यार, एंड 40% ABV के साथ आती है, विच इज स्टैंडर्ड द मिनिमम ABV। आई थिंक दैट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, लेट्स ओपन द विस्की नाउ एंड लेट्स गेट टू द टेस्टिंग। ऑलराइट, कलर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, इट्स एडेड कलर सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट मच। क्वाइट प्लेजेंट ऑन द नोज, सरप्राइजिंगली प्लेजेंट। मुझे याद नहीं है वैलेंटाइन्स का टेस्ट, ओरिजिनल का टेस्ट इतना अच्छे से, टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑन द नोज। मुझे इतना याद है कि इतनी प्लेजेंट नहीं थी नोज पर। It has that slightly honey का जो हनी वाला जो अरोमा है, हनी बटर स्कॉच वाला जो अरोमा, it's quite prominent. It has that sweet overtone to it on the nose. You do get some vanilla as well, some oakiness, एक syrupiness आ रही है मुझे एक, it's out and out sweet on the nose. एंड नॉट फ्रूट वाला जो स्वीट होता है वो फ्रूटीनेस नहीं है इसके अंदर, इट्स मोर लाइक सिरपी, वनीला, बटर स्कॉच, हनी, वो वाली जो स्वीटनेस है वो काफी ज्यादा फील हो रही है मुझे, एंड नो स्मोक एट ऑल, मे बी अ हिंट ऑफ एप्पल्स ऑन द नोज। आई हैव टू से नोजिंग में बहुत अच्छी विस्की है, ब्लेंडेड विस्कीज में ज़्यादातर जब मैं नोजिंग करता हूँ इट्स नॉट रियली अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट दिस इज फॉर श्योर। चलिए लेट्स टेस्ट।
actually pretty decent, man. Good job. It starts off with the maltiness and it's pretty out there. I mean, I have to say that it's much better than I expected. There's a maltiness, there is a bit of spiciness as well, which you feel up front. Usually blended whiskies mein wo jo spices hote hain wo kafi der se aate hain, kafi end mein aate hain aur bahut hi brief time ke liye aapko feel hote hain, but in this one you feel them up front and the spices are quite prominent as well, like black pepper, white pepper. You feel that on your tongue, on your jaw. हल्की हल्की ग्रेनीनेस है इसके अंदर, बहुत ही बैक एंड पर फील होती है, बट आई विल से दैट कि इट्स ईजिली ड्रिंकेबल. अगर आप इसे नीट पीना चाहते हैं, ऑन द रॉक्स पीना चाहते हैं, इट इज ईजिली ड्रिंकेबल. आई थिंक जो मेन चीज है जो मुझे फील हो रही है, दैट इज मच लेस ऑफ दैट ग्रेनीनेस. एंड ग्रेनीनेस का मतलब क्या होता है, आई थिंक जो एक स्पिरिट की फीलिंग आती है, जो एक बर्न होता है एल्कोहल का, एल्कोहल तो है बट वो एल्कोहल का जो बर्न होता है वो ब्लेंडेड विस्कीज में फील होता है ज्यादा, इसमें वो बहुत ही कम है. बट लेट्स कंपेयर इट विद रेगुलर वैलेंटाइन्स एज वेल, बिकॉज एक अच्छा कंपैरिजन निकल कर आएगा तब कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर. और ये बॉटल तो मुझे मंगवानी पड़ी, मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास वैलेंटाइन्स पड़ी भी नहीं है. काफ़ी टाइम हो गया वैलेंटाइन्स पिए हुए, सो इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस. आई डू सी कि एक सिमिलर विस्कीज हैं, ऐसा नहीं है कि सिमिलर नहीं है. दिस इज 43% एंड दिस इज 40%, बट आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, वो एक वॉटरीनेस फील नहीं हुई मुझे इस विस्की के अंदर. दिस इज हैज बिट मोर ओकीनेस टू इट, जो वुड वाला जो टेस्ट है ओकीनेस वो ज्यादा फील हो रही है. देर इज वेनिला, देर इज अ बिट ऑफ आई थिंक फ्रूटीनेस, काइंड ऑफ अ फ्रूट सैलेड हल्का हल्का आपको फील होता है, बट ऑल्सो हैज अ बिट ऑफ ग्रेनीनेस टू इट. जो एक स्पिरिट वाला जो टेस्ट है वो आपको फील होता है, एल्कोहल बर्न फील होता है इन दिस वन. इट्स स्वीटर थ्रू आउट, यू फील दैट स्वीटनेस गोइंग एंड डेवलपिंग फर्दर एंड फर्दर, एंड दैट बिट ऑफ स्पाइसीनेस एज वेल. अगर मैं अपने बारे में बात करूं, आई एम मोर ऑफ अ, यू नो, आई प्रेफर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स विस्कीज. ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है विस्की इन दिस प्राइस रेंज. आई थिंक दैट इफ आई हैव टू गो बिटवीन द टू, आई विल डेफिनेटली चूज दिस वन एनी डे. आई सिंपली बिकॉज काफी वर्सेटाइल विस्की है. दिस इज समथिंग जिसे मैं यूजली मिक्स करके पीऊंगा. I cannot drink this neat, but this one I can on the rocks as well. And even agar cocktails bhi banani ho, I will go with this one because better whiskey means better cocktails. So I will give this whiskey my stamp of approval. Agar aap logon ne try nahi kari hai, to ab jaake try karo yaar. Aap kis cheez ki wait kar rahe ho? Aur agar try kar chuke ho, to mujhe batao comments mein ki aap logon ko kaisi lagi hai whiskey. What is your honest opinion on this? लेट मी नो इन द कमेंट्स. और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लिया करो यार. काफ़ी कुछ डालता रहता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पर, कर लो यार. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.